कौना? ए साइडो, क्या क्या हुआ क्या? अनुष्का क्या है ये? इन दोनों को क्यों लाया घर पे? मम्मी बहुत जल्द पता चल जाएगा। कहाँ चुप के बैठा है वो प्रॉमिस तोड़ा? ए तेरी इतनी हिम्मत? पिछले महीने मुझे क्या बोला था तू, याद कर? मुझे कोई प्रॉमिस याद नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दो उसको। घोड़े, मुझे बोला था कि मैं मेरी माँ को लाऊंगा, ये आपको प्रॉमिस करता हूँ। ओह नो, या मैंने आपको वो प्रॉमिस दिया था। I am really sorry, मैं वो भूल गया। सुमो, तुमने मुझे याद नहीं दिलाया वो प्रॉमिस। मेरे भी दिमाग से चला गया। उसने जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि वो चाहती नहीं तुम्हारी माँ आए, क्योंकि सास का डर सबको ही लगता है। क्यों बहू? वो कुछ नहीं, तू अभी के अभी जाएगा और अपनी माँ को लेके आएगा। अभी कैसे जा सकते हैं वो? और ये क्या आपकी दादागिरी है? तू चुप कर, बार बार बीच में मत बोल। माँ को फोन लगा तेरी, ये लो दे इधर। हेलो, पहचाना कि नहीं मुझे? अरे क्या, कब आ रहे हो आप यहाँ पे? ये देखो, मैं आपका कुछ नहीं सुनने वाली। सुशील की शादी हो गई और आप तो गांव ही चली गई। इधर खुला जंगल मिल गया मोरनी को नाचने के लिए। ये देखो, मैं आप सुशील को भेज रही हूँ, आपको उसके साथ आना है। ठीक है, हाँ सुमित्रा, डेट बुक कर देना, 5 जून को आ रही है तुम्हारी सासू माँ। अब जाओ, सुशील की बैग भर दो। सुशील ये देख, 4-5 दिन तू वहां पे रहने वाला है और उसके बाद तेरी माँ तेरे साथ आने वाली है। वो बोल रही थी कुछ काम है, वो निपटा के आती हूँ। ठीक है, मैं माँ को लेके आऊंगा। सुशु, तुम कहीं पे जा रहे हो? जनी, मैं गांव जा रहा हूँ। What is this, सुशु? तुमने मुझे कहा कि हम कल रूम में जा रहे हैं। हाँ, हमको तो कल जेनी के साथ जाना है घूमने, ये नहीं जा सकते। ए छुछन छुछन, तू जरा शांत बैठ। जेनी माय लव, वो अपनी माँ को लाने जा रहा है। मामी जी आ रही है। यस जेनी, मैं अपनी माँ को लाने जा रहा हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। या मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ अपनी माँ को तुमसे मिलाने के लिए। ये लो तुम्हारा बैग, अब उठो, उठो जल्दी। यस यस। अगर तूने इस बार अपनी माँ को साथ में नहीं लाया तो सोसाइटी में कदम नहीं रखने दूंगी। आप मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, धमकी समझ ले। चाचा, जिस दिन का डर था वो दिन आ ही गया। सुमित्रा, ये देखो, ये तुम्हें भी पता था कि ये दिन आने वाला है, तो उस क्लिप पे होना चाहिए था ना तुमको। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी सोचा ही नहीं इसके ऊपर। यही सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी, क्योंकि तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तुमको लगा तुम्हारे साथ गांव में है तो गांव में ही रहेगी। अब मेरी भी अचानक से आ गई थी और वापस कभी गई नहीं। सारी खुशियां मेरी छीन ली गई। मेरी भी खुशियां आप छीनने वाली हैं। पर मैं भी कम नहीं, मैंने भी उनको दिखाया। क्या दिखाया? कि मैं भी किसी से कम नहीं। सुमित्रा, ऐसा टूटो मत, तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। देखो, हर बहू की जिंदगी में ये दिन आता ही है, भले ही सास उसकी कैसी भी हो, माँ जैसी बनने की कोशिश करे, पर सास सास ही होती है। बड़ी जल्दी समझ आ गया डेबरी को। मेरी सास बहुत डेंजरस है। मेरी भी तो है ना, पर मैं संभाल रही हूँ ना उनको। हर बहू को ऐसा ही लगता है कि उसकी सास सबसे डेंजरस होती है, पर ऐसी कोई बात नहीं। अब मेरी सास माई देखो, मुट्ठी में है मेरी। तुम्हारी सास तुम्हारी मुट्ठी में? बाऊ, ए बाऊ। क्या हुआ सुमा? रात को मेरी पसंदीदा मटर की सब्जी बन रही है ना? हाँ हाँ, आपकी पसंद की सब्जी बनेगी। दिख गया कौन कितना मुट्ठी में है। ऐसे ही तो मुट्ठी में रखना होता है। मैं कुछ समझी नहीं।
मीठा बनने की कोशिश करने का और जब हमारा काम आए तो चुपचाप काटा निकालने का। शर्मिला कैसे कर लेती हो तुम यार? मैं तुम्हें पूरे क्लासेस दूंगी, सास को कैसे रखे मुट्ठी में। बेहतरीन नुस्खे भाई शर्मिला, मैं ये बुक ही बनाने वाली हूँ। इस बुक में मैं सब लिखूंगी कैसे आप सास को अपने मुट्ठी में रख सकते हैं, भले ही आपकी सास के बहुत पर आ गए हो पर उनको कैसे काटना। पंछी बनो उड़ते पे रू मस्त गगन में, क्या रे मुझे भी तेरी बुक देना नुस्खा भाई शर्मिला। ये देख ढेबरी, तूने बहुत बोल लिया, आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए तुझे माफ कर देती हूँ, जो भी बोला वो सब माफ। इतनी खुशी हो रही है ना अंदर से, और इसका मूड देख के तो चार चांद लग गए। ससमाए हंसना होता है किसी के ऊपर? हंसूंगी मैं, मेरा मुंह। इतने दिनों बाद मैं खुश हो गई हूँ, मुझे मेरी दोस्त मिलने वाली है, कितना मजा करेंगे हम। और रही बात इसकी, तो कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता ही है। वैसे बात तो सही है, कर्मों के फल मिलते ही है।